पढ़ो मगर ईमानदारी के साथ। जो चाहता है महफिल में रूहानियत आ जाए, महफिल की जो हलचल है वो खत्म हो जाए। एक मर्तबा मुझे दिखा के नहीं, मुझे दिखा के नहीं, सिर्फ मदीने वाले को जहन में लाके, पता है ना हजूर समाज करते हैं। एक मर्तबा सारे अफराद बरकत के लिए दुरूद पाक चाहे दिल में पढ़िए मगर सारे पढ़िए जरा मिलके। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आली का व सुहाबी का या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या मक्की या मदनी या सैयद अल असफिया महताबे अता जलवाए हक नुमा इंतहाए जमाल मावराए ख्याल महवते वही आसमानी विरदे आयाते कुरानी कासमे नमाए रबानी आलमे अलूमे इरफानी मरकजे दीदारे कुल हामले ओ साफे कुल सर्वरे कोने सर्वरे कौनैन नबील हरमैन जदिल हसनी वल हुसैन यासीनो ताहा हाजिरो नाजर बशीरो नजीर मुजम्मिलो मुदस्सर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूल। जैसे पीर साहब तशरीफ लाए या हजूर किबला बगदादी साहब, तो कोई बंदा मुसाफे के लिए मुलाकात के लिए आगे ना बढ़े, ये मेरा हुक्म नहीं है, ये हजूर पीर साहब का हुक्म है, ये सैयदों का हुक्म है, सैयदों का। तो अब जो सैयदों का एहतराम करता है वो बिल्कुल अदब एहतराम और अकीदत के साथ ज़ियारत कीजिएगा। जैसे कि किबला शाह साहब स्टेज पे पहुंचे आपको इंशाल्लाह नूरानी चेहरा भी दिखाई देगा। हाँ आप इस्तकबाल कर सकते हैं खड़े होके मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ प्यार के साथ, मगर हलचल नहीं मचानी, बोसा लेने के लिए आगे नहीं जाना क्योंकि फिर महफिल डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए अदब और एहतराम के साथ बैठिए। अजीजा ने मोहतरम बादस दुरूद सलाम खुश बख्ती खुश किस्मती आज की रात जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खैरुल वरा में बसर करने का शर्फ हासिल हो रहा है। सालाना उर्स मुबारक की इस खूबसूरत तकरीब सईद में मैं पहली बार मुझे हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है और मैं इंतहाई शुक्र गुजार हूँ आलमी इस्लाम के अजीम सना खान भाई मोहम्मद अदील सरफराज साहब का कि जिनके हुक्म पे आज मुझे सादात की नौकरी का शर्फ हासिल हो रहा है। और तमाम इंशाल्लाह जैसे ही पी साहब तशरीफ लाएं यकीनन साबिर वली इको डिजिटल साउंड आप एक तराना दरबार शरीफ के हवाले से चलाते हैं वो चलेगा, तो आप इस्तकबाल कीजिएगा मोहब्बतों के साथ इंशाल्लाह अज़ीज। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के नामवर सना खान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं वो तशरीफ लाएंगे। आज के प्रोग्राम की सदारत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत महताबे तरीकत आफताबे विलायत वली इब्ने वली आले नबी उलादे अली नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल गुले गुलशन जहरा गुले गुलशन अली हजूर किबला आलम साहबजादा पीर सैयद अजहर हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुल कुर्सिया आपकी नगरानी कयादत सरपरस्ती में ये सालाना उर्स मुबारक की तकरीब सईद जारी व सारी है। इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद किबला पीर साहब स्टेज का हुसन होंगे, ज़ियारत कीजिएगा। आपके साथ साथ पीर तरीकत रहबरे शरीयत पीर तरीकत आले नबी औलादे अली नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल गुले गुलशन ज़हरा हजूर किबला आलम साहबजादा अलहाज पीर सैयद अली इमरान बुखारी शाह साहब दामत बरकातुल कुर्सिया इंशाल्लाह आपकी भी जलवागरी होगी, हम ज़ियारत करेंगे। आपके साथ साथ पीर तरीकत रहबरे शरीयत महताबे तरीकत आफताबे विलायत वली इब्ने वली आले नबी उलादे अली साहबजादा पीर सैयद महबूब मीरा शाह साहब बुखारी इंशाल्लाह ये तमाम हस्तियां कुछ ही देर के बाद स्टेज का हुसन होंगी, खड़े होके इस्तकबाल कीजिए सारे। कोई बंदा अपने नशीब से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, मिलके मोहब्बत के साथ जी।
ਢੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ ਉਜੜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਢੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ गल सारी सरकार दी है, गल सारी सरकार दी है। बोलो जरा जिदा अकीदा के सारी गल सरकार दी है। एक बारी जरा दोवे हाथ चाओ उठाओ, जरा दोवे हाथ कड्डो ना चादरा चो बाहर उठाओ जरा और बुलंद कीजिए और मिलके बोलो आर दिए ना पार दिए। गल सारी गल सारी गल सारी हक मुहम्मद। बोलो या मुहम्मद हक मुहम्मद हक मुहम्मद हक मोहम्मद हक मोहम्मद हक मोहम्मद। सुभान अल्लाह। हाजरी ने महफिल हमारी खुशबख्ती है कि हमारे स्टेज पे किबला सरकार जी बाबा जी सरकार तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप ज़ियारत कर रहे हैं किबला सरकार जी की और मुझे जैसे हुक्म हुआ है उस हुक्म को लेके चल रहा हूँ। हमारी खुशबख्ती हमारे स्टेज की सदारत कयादत इस अजीम हस्ती की सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम इनकाद पजीर है। पीर तरीकत रहबर शरीयत महताब तरीकत आफताब विलायत वली जनाब फरमा रहे थे वली। इसी से आगे मैं बात करता हूं। आपके सामने मेरे खुदा ने जो पैदा फरमाया मुस्तफा का कर दिया। जिसको मेरे खुदा ने पैदा फरमाया और अपने मुस्तफा का कर लिया वो आपके सामने है। इसके अलावा कोई तारफ नहीं है। जो है यही है उसमें किसी ने तलाश करना है अपनी फिक्र से तलाश करे, हमारे जिक्र से तलाश ना करे। जनाब नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देता हूँ अदील सरफराज को। के साथ जौक के साथ शौक के साथ कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए सरकार की बारगाह में। जनाब पूरी महफल अपने जिस्म को पूरा कान बना के प्रोग्राम को सुने, बिल्कुल इधर उधर देखने की इजाजत ही नहीं है। जिस आदमी के दिल में ये बात है कि मुझे और काम है उसको बिल्कुल इजाजत है। एक भी महफल में ना हो, सब भी महफल में हूं, बराबर है। किसी बंदे ने अपने ख्यालों में कुछ नहीं रखना, पूरे ख्यालों को पूरी तवज्जो के साथ महफिल की तरफ। जिसके पास कोई बच्चा है छोटा उसको डिस्टर्ब करता है उसको घर छोड़ दे। कुछ ऐसा महफिल में मुझे महसूस तक नहीं होना चाहिए, ये मेरी इल्तमास है।